पापा बताओ ना, मम्मा कहाँ है? बताओ ना। मैंने जो आपको मम्मा को बताना है वो आप अपने पापा को भी तो बता सकते हो। यस पापा, बिन्नू ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। बिन्नू सुना ना पापा को। वो मैंने मम्मा के लिए था और वो ही आना है। बिन्नू मम्मा आने है तो क्या हुआ, पापा तो है ना आपके पास, और पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस यू। पापा आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है ना। चलो आप पापा को सुनाओगे? बताओ इंटेलिजेंट बेबी ने क्या लिखा है, दिखाओ। तो बैठे मेरी माँ, मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। वो मुझे और मेरी दीदी तो बहुत प्यार करती है, हमारी अच्छी अच्छी देती शॉपिंग भी करवाती है, वो हमारा फेवरेट फूड भी बनाती है, वो सब परिवार का ख्याल भी रखती है, और अमन के बिना कभी नहीं रह सकते। कैसी लगी पापा? Very good, बेटा, very good. पापा मम्मा तो फोन लगाओ ना, मुझे उनको बताना है मैंने उनकी इतना अच्छा लिखा। फोन लगाओ ना पापा प्लीज। मेरा मम्मा फोन उठा नहीं रहे। ओके पापा, मम्मा बिजी होंगी। पापा मेरा फ्रेंड के साथ एक फोटो थी तो जब मम्मा आई थी मैं उनको दिखाऊ दी। स्माइल। ओह गॉड, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैं कैसे बताऊंगा इनको? निशा, ले बेटा थोड़ा पानी पी। नहीं जी, थोड़ा पी ले ले। कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा ना चली जाइए आप यहाँ से प्लीज। बात मान बेटा थोड़ा सा। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता आपको? कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। बेटा निशा संभाल अपने आप को, क्या कर रही है तू? जानी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बच्चों को ये सच कैसे बताऊं? वो निशा से इतना प्यार करते हैं, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। जब आप बच्चों को अपने और निशा के अलग होने के बारे में बताएंगे या उनको बताएंगे कि निशा कितनी गलत थी, तो सब आपको केयरफुली करना होगा। But how do we do that? एक आइडिया है। Are you sure? हाँ, ये बेस्ट तरीका होगा। और आपको जो भी कुछ करना है ना, जल्दी करना होगा। क्योंकि अगर बच्चों को ये आपके थ्रू पता चले, तो इट्स बेटर। वरना कहीं और से पता चलेगा तो हो सकता है कि आप उन्हें खो दें।
निशा भाभी फोन क्यों नहीं उठा रहे? नेहा, नेहा मेरा फोन उठाओ, मेरा फोन उठाओ नेहा। What? नेहा तुम्हें तो फोन उठाना चाहिए था। चीनी पीनी प्लीज प्लीज मम्मी का फोन उठाओ प्लीज। आदि चीनी पीनी आदि बेटा चलो अपन खेलेंगे। ओके दादी चलो। चिनू एक काम करो विनी को लेकर अपने रूम में आओ, आपके लिए एक सरप्राइज है। ओके ओके चीनी विनी आदि तुम चीनी विनी को मुझसे दूर नहीं रख सकते, मेरी बात सुनो। आदि चीनी विनी हेलो हेलो आदि आदि बच्चों को ये आपके थ्रू पता चले तो इट्स बेटर, वरना कहीं और से पता चलेगा तो हो सकता है कि आप उन्हें खो दें। पापा इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि क्योंकि पापा आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आईज बंद करनी पड़ेगी। ओके पापा। नो चीटिंग ओके? ओके। Promise? Promise. चलो बंद। खोले? खोलो। So nice, पापा, ये सब आपने किया? हाँ बेटा, आपको प्राइज मिला है ना इसलिए। और क्या पापा? आप ये बलून्स और कैंडल्स देख रहे हो? हाँ। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं पापा। आपको पता है क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि ये प्रेटी हैं और कलरफुल है और ब्राइट है इसीलिए। हाँ वो तो है, पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर है। अगर एक दूसरे के पास होंगे तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। इसका क्या मतलब पापा? मैं समझा, ध्यान से देखना ओके? चुके चुके डरने की जरूरत नहीं है। चुके बेटा ये तो बस्त कर रहे हैं पापा, आप इनको दूर ही रखो। एग्जैक्टली इसी तरह बेटा मम्मी और पापा एक दूसरे से दूर ही अच्छे हैं। मम्मी और पापा ना कैंडलो बलून की तरह है, अगर एक दूसरे के साथ होंगे तो एक दूसरे को हर्ट करेंगे। आई नो आप मम्मा को बहुत प्यार करते हो, आप चाहते हो कि मम्मी पापा साथ में रहे। बेटा पापा ने बहुत ट्राई किया, मम्मी पापा एक साथ नहीं रह सकते, वो एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को हर्ट करेंगे। आप समझ रहे हो ना जो पापा कह रहे हैं? मम्मा तो गए थे, इसका मतलब मम्मा कभी वापस नहीं आएंगे पापा। मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा
मुझे मम्मा चाहिए। ओह गॉड, जितना मैंने सोचा था ये उससे और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब मैं कैसे बताऊंगा बच्चों को निशा के बारे में? एक बात बताइए, आपके बॉयफ्रेंड का नाम सेलफोन तो नहीं है ना? क्या फालतू बातें कर रही है? अच्छा जी, तो अब मैं फालतू बातें कर रही हूँ? और इतनी देर से जो आप अपनी नजरें फोन में गड़ाए बैठी हो एज इफ अभी उससे शादी कर लोगी, उसका क्या? शट अप सुरु। हेलो जानवी, प्लान काम नहीं किया। मैंने बहुत प्यार से बच्चों को समझाने की कोशिश की, पर आई जस्ट होप। नो प्लीज, होप मत छोड़िए, यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। जानवी, मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उनकी आंखों में आंसू देखकर ही मैं अपने पेशेंस खो बैठता। They mean the world to me। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं जानवी। अरे वो बच्चे हैं या आप बच्चे हैं? आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला देती हूँ, उनकी उम्र है 5 साल और 7 साल एंड आप उनके पापा हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। You know, I don't believe this। तुम मुझे डांट रही हो ऐसे टाइम पे? Exactly। एक दिन में वो अपनी माँ को नहीं भूल सकते। माँ कितनी भी बुरी हो लेकिन बच्चों के लिए वो हमेशा अच्छी ही होती। कुछ भी हो जाए वो हमेशा अच्छी ही रहेगी। एंड आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो काकी माँ ने आपको कितना प्यार से बड़ा किया था, लेकिन फिर भी आपको अपनी माँ की याद आती होगी ना। इसलिए इस वक्त आपको सब कुछ भूल के अपने बच्चों के मन के हिसाब से सोचना होगा। ओके, बाय। थैंक्स। नहीं, मुझे नहीं पीना। थोड़ा सा पी लो प्लीज। नहीं पीना, नहीं पीना। चिनु बिनु प्लीज। नो। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। अरे ये तो वो ही पेपर है जो मम्मा तो चाहिए था। आदिशान, मेरा प्यार सच्चा है, क्या गलती थी मेरी? निशान पे विश्वास या आदिशान से प्यार? चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। बिन्नी बेटा, तुमने मेरा नोजी देखा? नहीं नहीं, ये वाली नहीं, वो लाल वाली पहनी थी ना मैंने। हाँ दादू, अभी देती हूँ यहाँ ये पत्र। ये क्या है? गणेश जी, आप जानते हो ना कि मेरा प्यार सच्चा है, इसीलिए मैंने आदि सर की हेल्प की।
उन्हें उनके परिवार से मिलाने की कोशिश की ताकि उन्हें खुश देख सकूं। क्या गलती थी मेरी, आदि सर से प्यार या निशा पे विश्वास? दादू, दादू। बेटा पापा की तरफ देखो, इधर इधर पापा के पास हो। मुझे मम्मा से मिलना है। पापा, मैं मिलवाऊंगा मम्मा से आपको, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। ओके, नहीं बेटा, बेटा तुम ये सब कैसे संभालोगे? बाबा मां के जाने के बाद आपने पूरे परिवार ने संभाला था ना मुझे। आई एम श्योर निशा के जाने के बाद मैं अपने परिवार को ज्यादा अच्छी तरह संभाल पाऊंगा। फिर आप सब है ना मेरे साथ। आपने दवाई खाई? नहीं। जानू, दूध। बात करते करते कब आंख लग गई उनकी पता ही नहीं चला। बहुत दिनों के बाद बहुत सुकून की नींद सो रही है मेरी बच्ची। हाँ मामा, सीरियसली आदि सर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं ना? नहीं मामा, डोंट यू थिंक आदि सर दी की लाइफ में कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं? आई मीन वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती, उनकी हर प्रॉब्लम्स हर मुसीबत में उनका साथ देती है। पापा, अल्लाह वादे, मैं नहीं रह सकती उनके बिना। पापा, मैं नहीं रह सकती। छोड़ो मुझे, छोड़ो जानवी। मैं तुम्हें इस फैमिली को बर्बाद करने नहीं दूंगी। या मोहब्बत का ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का। How dare you, निशा? यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से।
को छुपाते। बच्चे उठ जाएंगे ना, बच्चों की परवाह है तुम्हें? बच्चे अगर उठ जाएंगे तो मुझे देख लेंगे, और अगर मुझे देख लेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि चीनी बीनी तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए चुप, धीरे बात करो। अच्छा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी निशा, बाहर चलो वरना मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। आंटी क्यों लड़ाई कर रहे हो, प्लीज मुझे एक और मौका दो ना आंटी, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आंटी देखो, 8 साल पुरानी शादी है, ये सब होता रहे, ओके? तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था तुम्हारे काकू साहब को, वो कैसे मुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं? देखो आंटी, मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे एक मौका और देना चाहिए। दो मुझे एक और मौका। निकल यहाँ से।